हेलो, मेरा नाम है अरुणा चौहान और मैं पढ़ा रही हूँ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। पिछली दो क्लासेस में हमने डिस्कस किया था, फर्स्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स क्या होते हैं, उनका क्लासिफिकेशन, देन उनका नॉमनक्लेचर। फिर उससे नेक्स्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स की सिंथेसिस। अब हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। तो चलिए शुरू करते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। तो इसमें हम कुछ पांच प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे। जैसे फर्स्ट प्रॉपर्टी हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स की फिजिकल स्टेट क्या होती है एंड स्मेल। फिजिकल स्टेट ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स एंड इट्स स्मेल, और यू कैन से ऑडर। सेकेंड प्रॉपर्टी हम इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। मेल्टिंग पॉइंट। एंड थर्ड प्रॉपर्टी हम इसमें डिस्कस करेंगे इसकी जो डेंसिटी है वो क्या होती है, डेंसिटी। फोर्थ प्रॉपर्टी हम डिस्कस करेंगे सॉल्युबिलिटी। एंड फिफ्थ प्रॉपर्टी हम इसमें डिस्कस करेंगे डाइपोल, डाइपोल मूमेंट ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। तो पहले फर्स्ट प्रॉपर्टी शुरू करते हैं, फिजिकल स्टेट एंड स्मेल ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में हम क्या देखते हैं, जो हमारे हेलो एल्केन्स होते हैं उसमें जो भी लोअर मेंबर्स होते हैं, लोअर मेंबर्स जैसे कि हम बात करते हैं हेलो एल्केन्स की, लोअर्स मेंबर यानी कि मिथाइल ब्रोमाइड, मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल ब्रोमाइड, मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल फ्लोराइड, इसके अलावा होता है इथाइल क्लोराइड एटसेट्रा। तो जितने भी लोअर मेंबर्स होते हैं हेलो एल्केन्स के, लोअर मेंबर्स ऑफ दिस फैमिली, दे आर जनरली गैसेस, दे आर जनरली कलरलेस गैसेस। एंड जैसे जैसे हम हायर मेंबर्स की तरफ जाते हैं, मीन्स अप टू C18, तो इस जो कार्बन 18 तक के जो मेंबर्स होते हैं, दे आर स्वीट स्मेलिंग लिक्विड्स, दे आर स्वीट स्मेलिंग लिक्विड। और इससे ऊपर के जो हायर मेंबर्स होते हैं, दे आर सॉलिड, हायर मेंबर देन दिस, दे आर सॉलिड्स। अब हम बात करते हैं हेलो एरीन्स की। तो हेलो एरीन्स जो होते हैं, हेलो एरीन्स जो लोअर मेंबर होते हैं, दे आर लोअर मेंबर ऑफ हेलो एरीन, दे आर लिक्विड, लिक्विड विद जनरली लिक्विड विद प्लेजेंट स्मेल। एंड द हायर मेंबर्स दे मे बी सॉलिड, एंड हायर मेंबर्स ऑफ हेलो एरीन्स दे आर सॉलिड। ओके, तो ये तो फिजिकल स्टेट थी हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स की। नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करते हैं, इसमें जो हमारी सेकेंड प्रॉपर्टी थी वो थी बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। सो बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं, मेल्टिंग पॉइंट की। सेकेंड प्रॉपर्टी इज बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। सो फर्स्ट हम बात करते हैं हेलो एल्केन्स के केस में। हेलो एल्केन्स में क्या होता है, जो भी जैसे जैसे एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है हेलोजन का, और जैसे जैसे जो है यू कैन से दैट कि उसका जो है मतलब एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, साइज इंक्रीज हो रहा है, एटॉमिक मास यू कैन से दैट एंड साइज इंक्रीज होता है, तो जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इंक्रीज करेगा। मीन्स मेल्टिंग पॉइंट भी, इनके जो बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट जो है वो इंक्रीज करेंगे। तो इसमें क्या होता है, जैसे कि सपोज करो हमने मिथाइल ग्रुप लिया, मिथाइल का जैसे कि हेलो एल्केन लिए, यू कैन से दैट जैसे कि हमने हेलो मिथेन लिया, तो मिथाइल फ्लोराइड, मिथाइल ब्रोमाइड, मिथाइल
सॉरी सी एल, यहाँ पर हम सी एल ले लेते हैं, क्लोराइड, मिथाइल ब्रोमाइड एंड मिथाइल आयोडाइड। तो इसका जो है बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा? इसका, यानी यहाँ से इधर जाएंगे हम तो बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट क्या कर रहे हैं यहां पर? इंक्रीज कर रहे हैं, इंक्रीजेस, क्योंकि यहां पर क्या होता है, फ्लोरीन देन क्लोरीन देन ब्रोमीन देन आयोडीन। तो ये क्या हो रहा है इनका, क्योंकि यहां पर साइज भी इंक्रीज कर रहा है, फ्लोरीन का कम उससे ज्यादा, क्लोरीन का फिर ब्रोमीन का फिर आयोडीन का। तो जैसे जैसे साइज इंक्रीज करेगा वैसे वैसे क्या करेंगे, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा, मेल्टिंग पॉइंट भी इंक्रीज करेगा, क्योंकि साइज भी बढ़ रहा है और इनका एटॉमिक मास भी ज्यादा होता है। तो उसके साथ साथ यानी कि ऑन इंक्रीजिंग एटॉमिक मास एंड साइज, बॉइलिंग पॉइंट जनरली क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। ऐसे ही अगर हम स्ट्रेट चेन की बात करें तो स्ट्रेट चेन में जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज करते जाएंगे वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज करता जाएगा। जैसे कि नंबर ऑफ कार्बन चेन, जैसे कि हम लेते हैं स्ट्रेट चेन में, जैसे कि CH3Cl, अगर सेम हेलोजन एटम ले रहे हैं, CH3CH2Cl, CH3CH2CH2Cl, मीन्स ये हमारा हो गया क्लोरोमीथेन देन क्लोरोइथेन देन क्लोरोप्रोपेन। तो यहां पर क्या कर रहा है, क्योंकि कार्बन चेन मतलब ऐड हो रही है इसमें, वन यहाँ पर टू हो गए कार्बन, यहाँ पर थ्री हो गए, तो क्या जैसे जैसे ये इंक्रीज करता जा रहा है यानी कि मॉलिक्यूल का साइज भी बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज करता जा रहा है। लेकिन अब इसमें एक चीज क्या होती है, अगर सेम हम आइसोमर्स ले रहे हैं, मतलब आइसोप्रोपाइल्स ले रहे हैं, जैसे जैसे मतलब ब्रांचिंग इंक्रीज करेगी, तो ब्रांचिंग इंक्रीज करने पर क्या होता है, जो बॉइलिंग पॉइंट है वो डिक्रीज करता है। बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज क्यों करता है ब्रांचिंग इंक्रीज करने पर? क्योंकि होता क्या है, जैसे ब्रांचिंग हमने कर दी है, सपोज करो हम प्रोपेन का ले रहे हैं, CH3CH2CH2Cl, हमारे पास ये है, उसके बाद में हम यहाँ पर ले रहे हैं CH3CH2, एक बार ब्यूटाइल ले लेते हैं, CH2Cl ये ले लिया हमने, CH3CH2 यहाँ पर ले लेते हैं, CH3CH Cl। अब यहाँ पर ब्रांचिंग हो गई है, तो ब्रांचिंग के केस में क्या होगा, ऑन इंक्रीजिंग ब्रांचिंग यहां पर जो है बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट कम क्यों हो जाएगा? क्योंकि होता क्या है, जो मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर है वो कॉम्पैक्ट हो जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर, ये स्ट्रेट चेन है, ये कॉम्पैक्ट हो गया, और कॉम्पैक्ट होने के साथ इसका सरफेस एरिया भी क्या होता है, सरफेस एरिया भी कम हो जाएगा। यहाँ पर सरफेस एरिया मान लो ये है और यहाँ पर सरफेस एरिया मान लो ये था, तो जब सरफेस एरिया भी कम हो गया अब क्या होगा, जो बॉइलिंग पॉइंट है बॉइलिंग पॉइंट भी क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। सरफेस एरिया भी डिक्रीज कर रहा है ब्रांचिंग होने पर, ओके मॉलिक्यूल कॉम्पैक्ट हो गया, तो उसकी वजह से क्या होगा, ऑन ब्रांचिंग क्या करेगा, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस। सो इसलिए जो है जो स्ट्रेट चेन है उनका ज्यादा होगा एज कंपैरिजन टू जो भी ब्रांचिंग वाले हैं उनके कंपैरिजन में बॉइलिंग पॉइंट। ओके, ये हम हेलो एल्केन्स की बात करते हैं, मेल्टिंग पॉइंट भी ऑलमोस्ट इसके मींस ऐसे ही इंक्रीज करते हैं इसी वे में। सेकंड थिंग है, जैसे हेलो एरिन्स का केस लेते हैं, हेलो एरिन्स की हम बात करते हैं, तो हेलो एरिन्स में क्या होगा, इसमें जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं, जो इनके डेरिवेटिव्स हैं उनके बॉइलिंग पॉइंट्स जो हैं वो ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। क्यों आ जाता है? जैसे बॉइलिंग पॉइंट तो जैसे जैसे हम जाएंगे आइडो फ्लोरो इन सब के केस में अगर हम बात करें, जैसे कि नॉर्मल हेलो एरीन है तो फ्लोरीन का कम होगा, देन क्लोरीन बिकॉज एटॉमिक नंबर यहाँ पर इंक्रीज कर रहा है एटॉमिक साइज, एंड देन उसके बाद में हम आ जाते हैं इस पे ब्रोमीन, इसका ज्यादा हो जाएगा, इसी तरह से बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा। बट अब हम जब बात करते हैं जो भी हमारे पास अगर डाई हेलो डेरिवेटिव है, ओर्थो है, एक मेटा है और पैरा, इस टाइप में हम ले रहे हैं डाई हेलो डेरिवेटिव ले रहे हैं, तो उसके केस में जो है इसका बॉइलिंग पॉइंट तो ऑलमोस्ट सिमिलर ही होते हैं इनके, बट यहाँ पर आकर मेल्टिंग पॉइंट चेंज हो जाता है। मेल्टिंग पॉइंट जैसे कि हमने यहाँ पर ले लिया, हमारे पास क्लोरीन देन क्लोरीन,
यानी कि ऑर्थो डाई क्लोरो बेंजीन, क्लोरो बेंजीन। सेकंड है हमारे पास, मान लो हमने ले लिया मेटा डाई क्लोरो बेंजीन, मेटा डाई क्लोरो बेंजीन। और थर्ड है हमारे पास में पैरा डाई क्लोरो बेंजीन, पैरा डाई क्लोरो बेंजीन, पैरा डाई क्लोरो बेंजीन। अब यहां पर हम इनका तो ऑलमोस्ट सिमिलर होता है बॉइलिंग पॉइंट, कुछ पॉइंट्स का अंतर होता है, बट सॉरी मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं तीनों के, थोड़ा बहुत पॉइंट्स का डिफरेंस होगा कुछ 4-5 केल्विन का, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट की हम जब बात करें तो यहां पर आके डिफरेंस आ जाता है काफी ज्यादा, अराउंड 70-80 केल्विन का डिफरेंस आ जाता है इसके मेल्टिंग पॉइंट में। ऐसा क्यों होता है? ड्यू टू इट्स स्ट्रक्चर, क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो जो होता है वो सिमेट्रिकल होता है, मतलब इट्स स्ट्रक्चर इज मोर सिमेट्रिक एज कंपेरिजन टू द अदर्स। तो इसका स्ट्रक्चर एक तो मोर सिमेट्रिक होता है, सिमेट्रिक होने की वजह से जो भी क्रिस्टल लैटिस है उस क्रिस्टल लैटिस में इसका स्ट्रक्चर जो है वो फिट हो जाता है। अब होता क्या है, जब स्ट्रक्चर फिट हो जाएगा तो जो इंटर, यू कैन से दैट जो इंटर मॉलिकुलर अट्रैक्शन है, मीनिंग मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्शन होता है आपस में वो स्ट्रॉन्ग होगा, और उस अट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी पुट करनी पड़ेगी, और उसकी वजह से क्या होगा, उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो हाई हो जाएगा। हाई क्यों हो जाएगा? क्योंकि एनर्जी ज्यादा पुट करनी पड़ेगी, जब एनर्जी ज्यादा पुट करनी पड़ेगी इसका मतलब उसको मेल्ट करने के लिए ज्यादा एनर्जी दे रहे हैं, तो उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो इंक्रीज कर रहा है। तो इसलिए जो पैरा आइसोमर है, पैरा डाइक्लोरो एरीन जो हम ले रहे हैं, बेंजीन ले रहे हैं, उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है पैरा आइसोमर्स का वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, क्लियर है यहां तक? उसके बाद में अब हम आते हैं थर्ड प्रॉपर्टी पर। थर्ड प्रॉपर्टी होती है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी की हम बात करते हैं हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स में। थर्ड प्रॉपर्टी इज सॉल्युबिलिटी ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन। तो हेलो एल्केन्स की अगर हम बात करें तो हेलो एल्केन्स जनरली वाटर में दे आर ऑलमोस्ट इनसोल्यूबल कह सकते हैं, नेग्लिजिबल सोल्यूबल होते हैं एक्चुअली, दे आर पोलर इन नेचर, बट पोलर तो हैं लेकिन वाटर के साथ में जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं कर पाते हैं। जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग अच्छे से नहीं कर पाएंगे मींस जो उनके बीच में इंटरेक्शन है वो इतना अच्छा स्ट्रांग नहीं बन पाता है, जैसे कि CH3 है और Br है और हमने वाटर ले लिया, तो इनके बीच में जो इंटरेक्शन है वो उतना स्ट्रांग नहीं बन पाता है। जो वाटर मॉलिक्यूल है इनके बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो इतनी स्ट्रांग नहीं हो पाती है, जैसे कि मान लो ये भी कर रहे हैं हम, तो वो स्ट्रांग हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो पाती है इनके बीच में, मॉलिक्यूल के बीच में, यानी ये जो बॉन्ड बना है वो बहुत कम इंटरेक्शन है एज कंपेरिजन टू कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में जितना स्ट्रांग बॉन्ड है और Br कार्बन के बीच में जितना स्ट्रांग बॉन्ड है उसके कंपैरिजन में ये जो बॉन्डिंग है वो वीकर है। इसकी वजह से ये इनसॉल्युबल होते हैं ऑलमोस्ट किसमें, वाटर में। लेकिन जितने भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं, जैसे जो भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं, जैसे कि हम बात करें बेंजीन, कौन कौन से बेंजीन, इसके अलावा हम बात करें ईथर, इसके अलावा हम बात करें एल्कोहल्स, इसके अलावा हम बात करें कार्बन टेट्राक्लोराइड क्लोराइड, इसके अलावा हम बात करें क्लोरोफॉर्म, इन सब में क्या होता है ये सॉल्युबल होते हैं, मींस दे आर सॉल्युबल इन दीज ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। कौन? हेलो एल्केन्स। अब आते हैं हम हेलो एरिन्स पर। हेलो एरिन्स की बात करते हैं तो हेलो एरिन्स आर इनसॉल्युबल इन वॉटर। हेलो एरिन्स आर इनसॉल्युबल इन वॉटर बट दे आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, मीन्स इनसॉल्युबल इन वॉटर। कौन? हेलो एरिन्स। ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है इसकी डेंसिटी। डेंसिटी की हम बात करें यानी कि फोर्थ प्रॉपर्टी की हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन्स की, तो डेंसिटी में क्या होता है, जैसे जैसे सेम थिंग इसमें कि जैसे जैसे डेंसिटी ऑफ हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन्स दोनों की अगर हम ले रहे हैं, जैसे जैसे क्या हो रहा है एटॉमिक साइज इंक्रीज कर रहा है और मास, यू कैन से दैट, तो क्या होता है डेंसिटी क्या करती है, इंक्रीज करती है। डेंसिटी इंक्रीजेस मींस जैसे कि अब हम ले रहे हैं CH3
तो इसमें किसकी डेंसिटी ज्यादा होगी? ब्रोमीन की। क्यों? क्योंकि यहां पर ब्रोमीन जो है उसका एटॉमिक साइज भी ज्यादा है, मास भी ज्यादा है, तो इसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी एज कंपेरिजन टू क्लोरोमिथेन, और इसकी इससे ज्यादा होगी तो डेंसिटी इंक्रीजेस। इसके अलावा और एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि नंबर ऑफ हेलोजन एटम अगर हम इंक्रीज करें सेम केस में, जैसे कि सिमिलर केस, सिमिलर हेलोजन ले रहे हैं हम, सिमिलर हेलोजन जैसे कि CH3Cl हो गया, एक हो गया CH2Cl2, हेलोजन एटम हम बढ़ा रहे हैं, नंबर ऑफ हेलोजन एटम CHCl3 एंड CCl4, तो किसकी डेंसिटी ज्यादा होगी? डेंसिटी का ऑर्डर ये हो जाएगा। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ हेलोजन एटम इंक्रीज कर रहे हैं, और जिसकी वजह से क्या हो रहा है, इनका जो साइज भी ज्यादा है, ओके, मास ज्यादा है इसका, ये हेलोजन एटम का, तो डेंसिटी भी इंक्रीज करती जाएगी इसके केस में। ऐसे ही हम बात करते हैं हेलो एरिन्स की। हेलो एरिन्स में भी सेम चीज ही होती है, जैसे जैसे नंबर ऑफ हेलोजन एटम इंक्रीज करते जाएंगे डेंसिटी इंक्रीज करती जाएगी। सपोज करो ये है हमारे पास, तो क्लोरीन से ज्यादा होगी ब्रोमीन की डेंसिटी, एंड देन आयोडो कंपाउंड की, आयोडो एरीन की, तो डेंसिटी इंक्रीजेज इन दिस ऑर्डर। ओके, क्योंकि डेंसिटी भी जो होती है वो भी साइज और एटॉमिक मास पर डिपेंड कर रही है। जैसे जैसे इंक्रीज करेंगी ये प्रॉपर्टी, उनकी डेंसिटी भी इंक्रीज करती जाएगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, फिफ्थ वन इज डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन। फिफ्थ प्रॉपर्टी इज डाइपोल मोमेंट ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। डाइपोल मोमेंट में फर्स्ट हम लेते हैं हेलो एल्केन्स। अब जो हेलो एल्केन्स हैं, दीज आर पोलर इन नेचर, एज यू नो दैट, क्योंकि जो कार्बन और हेलोजन बॉन्ड है उसमें, क्योंकि हेलोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो ज्यादा होती है, तो हेलोजन की जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, दे आर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर, तो जो बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन का शिफ्ट होगा वो टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ ज्यादा होगा, उसकी वजह से उस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज और इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा कार्बन पर, तो इसकी वजह से बॉन्ड क्या हो जाएगा? पोलर हो जाएगा। तो ये पोलर है, यानी कि इसकी वजह से कुछ डाइपोल मोमेंट जनरेट करेगा। अब जो डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर है वो क्या होता है? जैसे कि जो CH3Cl है उसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होता है CH3F से। ये चीज ध्यान में रखिएगा कि CH3F से जो है वो डाइपोल मोमेंट किसका ज्यादा होता है? CH3Cl का। फिर ऑर्डर CH3Br, देन CH3I। सो दिस इज द ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट। कैन से दैट डायोप्टर लेते हैं हम, जो जो यूनिट लेते हैं उसको रिप्रेजेंट करने के लिए, जैसे कि इसका डाइपोल मोमेंट होता है 1.86 अराउंड, इसका होता है 1.85, इसका होता है 1.83 डी डी डी, एंड इसका डाइपोल मोमेंट होता है 1.64 डी। डाइपोल मोमेंट को म्यू से रिप्रेजेंट करेंगे हम, तो जो इसका डाइपोल मोमेंट है वो इससे कम क्यों हो रहा है? प्रोबेबली जो इसका साइज है, ड्यू टू इट्स स्मॉलर साइज, तो इसका जो साइज है वो स्मॉलर होने की वजह से इससे इसका जो डाइपोल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो ज्यादा है ये, लेकिन जो साइज है वो कम है, तो साइज कम होने की वजह से इसका डाइपोल मोमेंट डिक्रीज कर जाता है और मिथाइल क्लोराइड का ज्यादा हो जाता है फ्लोराइड से। ठीक है, अब नेक्स्ट है इसमें हेलो एरिन्स की डाइपोल मोमेंट की अगर हम बात करें, तो हेलो एरिन्स के केस में क्या होगा? हेलो एरिन्स, जब हम हेलो एरिन्स की बात करते हैं, तो सिमिलरली जैसे हमने ले लिया है जो फ्लोरीन है उसका साइज कम होने की वजह से इसका डाइपोल मोमेंट कम हो जाता है, किससे? क्लोरीन डेरिवेटिव से, इसके मींस क्लोरो एरिन से, और इससे ज्यादा किसका हो जाता है इसमें उल्टा? ब्रोमीन एंड आयोडीन जो होता है, आयोडो को कंपाउंड जो होता है एरोमेटिक, उसका ऑलमोस्ट सिमिलर होता है। इसका कितना होता है 1.60 डी, इसका 1.69 डी, और इसका कितना होता है 1.70 डी। मींस ड्यू टू इट्स साइज, इट्स डाइपोल मोमेंट इज लेस एज कंपैरिजन टू दिस, मींस एरोमेटिक रिंग में ये थोड़ा चेंज हो जाता है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं डाइपोल मोमेंट में, इसी में हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन्स में
एक्चुअली डायपोल मोमेंट को हम निकालते हैं म्यू रिजल्टेंट के नाम से. रिजल्टेंट इसके लिए फॉर्मूला जो यूज किया जाता है जब हम हेलो जो भी डेरिवेटिव हैं एरीन्स के, उसके केस में हम फॉर्मूला लेते हैं ये म्यू वन स्क्वायर प्लस म्यू टू स्क्वायर प्लस टू म्यू वन म्यू टू कॉस थीटा. ये हम फॉर्मूला यूज करते हैं रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट निकालने के लिए इन द केस ऑफ डाई हेलो एरिंग्स. अब डाई हेलो एरिंग्स में भी डायपोल मोमेंट कैसे वेरी करेगा वो देखते हैं. जैसे कि हम बात करते हैं ये डाई हेलो एरिंग्स में कि डायपोल मोमेंट जो है वो एक तो हो गया हमारे पास डाई पैरा डाई क्लोरो बेंजीन. दिस इज पैरा डाई क्लोरो बेंजीन. सो पैरा डाइक्लोरोबेंजीन के केस में क्या कहते हैं, एंगल जो है वो 180 डिग्री का होता है. अब जब इसमें पैरा के केस में जब 180 डिग्री का एंगल है और ये जो है बॉन्ड पोलर है, पोलर बॉन्ड है दोनों, सी सी एल बॉन्ड पोलर है. ओके सो इलेक्ट्रोनेगेटिव है ज्यादा क्लोरीन, तो यहां पर क्या होगा जब पोलैरिटी जनरेट होगी. लेकिन ये दोनों 180 डिग्री के एंगल पर है तो ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे के जो भी रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट होगा ये क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे. और क्या हो जाएगा, जो म्यू आएगा वो दैट विल बी इक्वल टू आर रिजल्टेंट इक्वल टू जीरो इन केस ऑफ पैरा डाइक्लोरो बेंजीन. लेकिन जो ऑर्थो डाइक्लोरो बेंजीन है, ऑर्थो डाइक्लोरो बेंजीन, ऑर्थो डाइक्लोरो बेंजीन, इसमें क्या होगा, जो भी डायपोल मोमेंट है, जब हम एंगल देखते हैं एंगल होता है बॉन्ड एंगल 60 डिग्री का, तो यहां पर जो रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट आता है वो 2.54 d के आसपास आएगा क्योंकि कैंसल आउट नहीं करेंगे इसमें. ओके एंड नेक्स्ट वन इज मेटा. मेटा का ऑर्थो से कम होता है, जो डाइपोल मोमेंट है वो मेटा का ऑर्थो से, क्योंकि एंगल भी मैटर कर रहा है यहां पर इसके साथ में. ओके तो दिस इज ऑर्थो, दिस इज मेटा डाई क्लोरो बेंजीन. तो इसका जो डायपोल मोमेंट आता है रिजल्टेंट दैट विल बी इक्वल टू 1.72 d. तो डायपोल मोमेंट हम क्या देख रहे हैं, जैसे जैसे एंगल इंक्रीज कर रहा है, दिस इज 180 डिग्री, वैसे वैसे क्या हो रहा है, डायपोल मोमेंट डिक्रीज कर रहा है. तो ये हम किससे निकालते हैं, जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूला से हम रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट निकालते हैं. ओके तो आई थिंक यहां तक ये क्लियर हो गई है फिजिकल प्रॉपर्टीज हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन्स की. नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स. तो आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा, समझ में आया होगा. ओके सो थैंक यू एंड बाय बाय.